रिश्ता से तकरीबन 2 साल हो गई। एक बेटी थी वो भी चली गई। मेरा नाम मर्जिया खातून है, मैं इस कस्बे की रहने वाली हूँ। यहाँ इलाज के खातिर आई थी और एक बेटी थी वो भी चली गई। इस महंगाई के दौर में किराया भी बर्दाश्त नहीं होता है, न ही सही तरह शोहर को काम है, और इलाज के लिए कम से कम डेली हफ्ते का 6,000 लग जाता है हफ्ते का, तो इलाज नहीं कर पा रही हूँ। बीमारी पूरा जिस्म में भी सूजन आया हुआ, मोरे भी दबे हुए हैं और पूरे टांगों में दर्द है। एक गिलास पानी उठकर पी नहीं सकती हूँ। जैसा कोई अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चियाँ आके हेल्प किया किया, वरना पड़ी रही हूँ। और दवाई एक टाइम की छूट गई तो दर्द की वजह से मेरा बुरा हाल हो जाता है। पहला ऑपरेशन किया था रीढ़ की हड्डी का, ऑपरेशन करके 5 साल तक सही रही। फिर गांव चले गए, वहां का खेती बाड़ी कोई संभालने वाले ही नहीं था, वहां गए, वहां से फिर वही दर्द शुरू हुआ। फिर वहां से वापस आ गए यहां पर इलाज के लिए, और घर का खर्चा ये सब हुआ और इलाज कर नहीं सके। कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चे ही नहीं है, एक ही बेटी है, वही भी वह चली गई। घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। इलाज करना चाहती हूँ ताकि अपना पांव पे खड़ा हो जाए, जिंदगी जो बाकी बची है अपने पांव पे खड़ा होकर, किसी पे मोहताज नहीं होना चाहती हूँ। एक गिलास पानी भी पिलाने वाले घर में नहीं है, और किसी को भी बुला कर आने कोई अच्छा नहीं लगता, आ भी नहीं जाते इस जमाने में, और ना माली हालात कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं है। जी शोहर है, अल्लाह का शुक्र है, उसी को जिंदगी दे दे, उसी के आश्रय पे, अल्लाह के आश्रय पे हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड में है, कोई अच्छी से तनख्वाह भी नहीं है उसकी, और 2-3 दिन वो वहाँ पर रुक जाता है मजबूरी के तहत, तो अगर ना रुके तो काम से निकलने के खतरा हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ रुकना पड़ता है। वो नहीं होता है तो मैं घर में अकेली ही रहती हूँ। तो अकेले जब बंदे का तो क्या हाल होता है, आप लोग खुद जानते होंगे मरीज के हालात में। तो उसका आया हुआ तनख्वाह कुछ पूरा नहीं होता, घर का किराया देना पड़ता है और अपना खाना पीने के खर्चा होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में तो पता ही है, उसका अपना जेब से जाता है। हो सके तो मेहरबानी होगी इसकी, कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो कुछ मुनासिब तनख्वाह हो जाए, ताकि हम इलाज कर सके, अपना खर्चा चला सके। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, अगर हो सके तो मेरे हेल्प करें और ये इलाज की कोई गुंजाइश कीजिए।